Do Chicho Story TV. Please like, share, comment and subscribe to make me happy. कालू कौवा शाम में अपने घर लौटता है। गौरी जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। आज तो तुम भूखे ही रहोगे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे अब नहीं जलती लकड़ियों वाली चूल्हे में आग, मुझे भी चिड़िया की तरह गैस सिलेंडर वाला चूल्हा ला कर दो। गौरी सिलेंडर मुफ्त का नहीं आता, सिलेंडर लेने के लिए पैसे लगते हैं। और मैं तुम्हें कहाँ से ला दूँ गैस सिलेंडर? मेरा सारा रंग काला हो गया है। मैं जब ब्याह करके यहाँ आई थी तो देखा था कितनी गोरी चिट्टी थी, और अब देखो तुमने मेरा क्या हाल बना दिया है। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लग जाता है। हम कौवे जितने काले हो उतने ही सुंदर दिखते हैं। और तुम चिंता ना करो, मैं आज रात ही गैस सिलेंडर के बारे में कुछ करता हूँ। और फिर जब आधी रात होती है तब कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और वो सीधा चिड़िया के घर की ओर जाता है, क्योंकि कालू कौवे को मालूम था कि चिड़िया के घर पर गैस सिलेंडर है। और वह चिड़िया के घर की खिड़की के पास बैठकर इधर उधर झांकता है। वाह रे चिड़िया, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। और फिर कालू कौवा धीरे धीरे चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है और उसका गैस सिलेंडर चुरा कर वहाँ से अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी उठो, कोई चोर हमारा गैस सिलेंडर चोरी करके ले गया है। मम्मा ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा कौन कर सकता है? वो दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती हैं और अपना गैस सिलेंडर ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। देखो गौरी, अभी इसे इस्तेमाल ना करना, अभी इसे छुपा कर रखो। मैं अभी दुकान जाता हूँ और दूसरा रंग खरीद कर लाता हूँ। उसके बाद हम इस सिलेंडर को रंग कर देंगे और फिर रंग बदल जाने के बाद चिड़िया अपना सिलेंडर नहीं पहचान पाएगी। जल्दी आना पति जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सिलेंडर को चलाने के लिए। और फिर कालू कौवा जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है और कबूतर चाचा से एक रंग की बोतल खरीद लेता है कि तभी वहाँ चिड़िया और उसकी बेटी भी आ जाते हैं। कालू भैया, मेरा गैस सिलेंडर चोरी हो गया है। अरे हुआ होगा, मुझे क्या मालूम। और ऐसा बोलकर कालू कौवा रंग लेकर वहाँ से भाग जाता है और घर पहुंचकर सिलेंडर के रंग को बदल देता है। अब छोटी चिड़िया देख भी ले तो पहचान नहीं सकेगी कि ये सिलेंडर उसी का है। कालू जी, अब जल्दी से मुझे ये सिलेंडर चालू करके दे दो ताकि मैं खाना बना सकूं। कालू सिलेंडर चलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह नहीं चला पाता। गौरी, मैंने पहले कभी सिलेंडर से आग नहीं जलाई है, मुझे नहीं पता इस सिलेंडर से आग कैसे जलती है। कालू जी, तुम्हारा मामा बहुत सियाना है, जाओ और उसे बुलाकर यहाँ लाओ, क्या पता उसे यह सिलेंडर जलाना आता हो। हाँ गौरी, मैं अभी मामा जी के पास जाता हूँ। मिट्टू भैया, मेरा गैस सिलेंडर किसी चोर ने चोरी कर लिया है, कहीं आपने किसी को देखा तो नहीं? नहीं चिड़िया, वो चोर जब उस सिलेंडर को चलाएगा तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, तुम चिंता ना करो। दूसरी तरफ कालू कौवा भी उड़ता हुआ अपने मामा जी के घर पर पहुंच जाता है। कैसे हो मामा जी, बड़ी मुश्किल से मैंने चिड़िया के घर से सिलेंडर चोरी किया है, मगर हमें मालूम ही नहीं कि उस सिलेंडर को जलाए कैसे। अरे भांजे, गैस का सिलेंडर जलाना कौन सा मुश्किल काम है, मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर और देखता हूँ कि कैसे नहीं जलता वह गैस सिलेंडर। और फिर कालू कौवा और उसका मामा वहाँ से उड़ते हैं। हाँ चिड़िया, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? गोरी बहन, मुझे आपके घर में कुछ देखना है। क्या देखना है चिड़िया, यही बता दो।
आंटी, हमारा सिलेंडर चोरी हो गया है और हम वही ढूंढ रहे हैं। और फिर चिड़िया गोरी कौवी के घर में चली जाती है। गोरी बहन, ये नया सिलेंडर तुमने कब लिया? क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक तुम्हारे ही पास गैस सिलेंडर है? अरे, ये नया सिलेंडर मेरी माँ ने मुझे भेजा है। मम्मा चले, यहाँ तो हमारा सिलेंडर नहीं है। अरे रुको रुको चिड़िया, अरे मुझे बताती तो जाओ, ये गैस सिलेंडर आखिर जलाते कैसे हैं? वो क्या है ना कि मुझे नहीं पता कि गैस सिलेंडर कैसे जलाए जाते हैं। इस बटन को सीधा घुमाने से गैस निकलने लगती है और फिर चूल्हा में आग जलाने से वह जलने लग जाती है और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी चालाक है तू गोरी, एक तो चिड़िया का सिलेंडर चोरी किया और उसी से सिलेंडर जलाना भी सीख लिया। और फिर गोरी कौवी सिलेंडर से गैस खोलती है। ओहो, मैं तो भूल ही गई, घर में तो आग जलाने के लिए माचिस भी नहीं है। क्योंकि सिलेंडर की बटन खुली हुई थी तो पूरे घर में धीरे धीरे करके गैस भरने लग जाती है। कालू कौवा भी अपने मामा को लेकर अपने घर पर आ जाता है। मामा जी, अब जल्दी से इस सिलेंडर से चूल्हा जला दे हमें। और फिर कालू का मामा अपने बैग से माचिस निकालता है और जैसे ही दिया सलाई जलाता है कि तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ बस धुआं ही धुआं फैल जाता है। गोरी कौवी तो कोई चुड़ैल लग रही थी, तो वहीं कालू कौवा और उसका मामा भूत नजर आ रहे थे। गैस पहले ही खुली थी भांजे। वे सब बस एक दूसरे का मुंह ही देखते रह जाते हैं। अब ना तो गैस सिलेंडर बचा था और ना ही उनका घर, और इस तरह कौवों को चोरी करने की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में नहीं आई हुई थी और जल्द ही वह अंडे देने वाली थी। बड़ी ही मुश्किलों से दिन भर मेहनत करके आखिरकार एक पेड़ की डाल पर उसने अपने तिनकों का घोंसला बना लिया था। अच्छा हुआ ये छोटा सा घोंसला तो बनकर तैयार हो गया, अब मैं इसमें अपने अंडे दे सकती हूँ। पर मुझे अंडे देने के बाद अपने अंडों को सुरक्षित और ठंड से बचाने के लिए एक नया और मजबूत घोंसला तो बनाना ही होगा। उस जंगल में कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आने वाला था और जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत कर रहे थे। कुछ ही देर में चिड़िया ने अपने घोंसले में दो अंडे दिए। चलो, मेरे अंडे तो बाहर आ गए, अब मुझे अपने अंडों के लिए एक मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपना घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। फिर रात होते ही चिड़िया अपने अंडों के साथ अपने घोंसले में सो जाती है। जब आधी रात होती है तो तेज और ठंडी हवाएं चलने लगती है। अरे ये क्या, ये ठंडी हवाएं तो अभी ही चलनी शुरू हो गई, और ये ठंडी ठंडी हवाएं मेरे अंडों के लिए ठीक नहीं है। इन ठंडी हवाओं से मेरे अंडे खराब भी हो सकते हैं। मुझे जल्द ही अपने अंडों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। चिड़िया अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी कि तभी उसे एक पेड़ पर एक घर दिखाई देता है, तो वह अपने अंडों को अपने साथ लेकर उस घर की तरफ जाती है और उस घर का दरवाजा खटखटाती है। वो घर कालू कौवा और गोरी कौवी का था। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात में हमारे घर के दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? कौवी भैया, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं आपकी जंगल में नई आई हूँ और मेरे पास कोई मजबूत घर नहीं है। मेरे दो अंडे भी हैं। कृपया करके आज की रात मुझे अपने घर में रख ले,
मेरे अंडे कल ही हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि ऐसी ठंडी हवा में ये खराब हो जाए। कौवे भैया, बस आज की रात की ही बात है, कल मैं अपने लिए एक सुरक्षित घर जरूर बना लूंगी। आवाज सुनकर गोरी कौवी भी बाहर आ जाती है। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ बोलता, गोरी कौवी कहती है, आड़ी चिड़िया, हमारा घर तो खुद छोटा सा है और मैंने खुद अंडे दे रखे हैं, तो फिर हम तुम्हें और तुम्हारे अंडों को अपने घर में कैसे रख सकते हैं? कृपा करे, मुझ नन्ही चिड़िया पर कृपा करे, मुझे ना सही मेरे अंडों को अपने घर में रख ले, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया को रोता हुआ देखकर गोरी कौवी को उस पर दया आ जाती है और वह चिड़िया के अंडे रखने के लिए मान जाती है। बेचारी चिड़िया सारी रात अपने घोंसले में ठंड में गुजारती है, पर उसे इस बात का सुकून था कि उसके अंडे सुरक्षित हैं। और फिर जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है, पर अगली सुबह के साथ ही जंगल में बर्फ बारिश भी शुरू हो जाती है। इन ठंडी ठंडी बर्फों की परवाह किए बिना चिड़िया अपने घर को बनाने के लिए तिनके और लकड़ियां इकट्ठे करना शुरू कर देती है। चिड़िया को घर बनाना बहुत अच्छी तरह से आता था, इसलिए शाम तक उसने अपना एक लकड़ियों का घर बना लिया था। अब मेरा एक मजबूत और सुरक्षित घर बन गया है, अब मैं अपने अंडों को अपने घर में ले आती हूँ। और फिर चिड़िया अपने अंडों को लेने के लिए कौवों के घर पर जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ अनजान पक्षी की मदद की, अब मैंने अपना खुद का एक लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया है और मैं अपने अंडे लेने आई हूँ। आप भी कभी न कभी मेरे घर जरूर आना, मुझे खुशी होगी। और फिर अपने अंडे लेकर चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज रात चिड़िया अपने घोंसले में बैठी ठंड की मजे ले रही थी और पूरी रात अपने अंडों को गर्माइश दे रही थी। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने अंडों के साथ अपने घर में बैठे हुए थे, पर उनका घर बहुत कमजोर था और अधिक बर्फ बारिश होने की वजह से उनके घर की छत एक तरफ से टूट जाती है। कालू जी, अब हम क्या करें? इस ठंड की वजह से तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। पर गोरी, इस समय तो मैं घर से बाहर निकलकर घर की छत की मरम्मत भी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो कि बाहर कितनी तेज बर्फ गिर रही है। कालू, क्यों ना हम चिड़िया के घर जाएं और उससे मदद मांगे। दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी, शायद वह हमारी मदद कर दें। और फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर पर जाते हैं। आप दोनों आए आए, जल्दी से घर के अंदर आ जाएं, बाहर बहुत ठंड है। और फिर वे सब चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता ही है कि हमारा घर कितना कमजोर है और आज रात हमारे घर की छत टूट गई। ठंड से हमारा अंडा खराब ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे घर पर आ गए। चिड़िया, इस ठंड के मौसम हमें किसी तरह अपने घर में रख लो। आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप मेरे घर आ गए, मुझे बहुत खुशी होगी आप दोनों अगर मेरे घर में रहोगे। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि तुम हमारी पड़ोसन हो। अच्छे तो आप दोनों भी हो, अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो उस रात मेरे अंडे खराब हो जाते। और फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर में ही ठंड का मौसम गुजारते हैं और कुछ दिनों बाद उनके अंडों से प्यारी प्यारी और नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकल आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें मुश्किल दिनों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इस कहानी को लाइक
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।